गाइस, तो ये सॉफ्टवेयर जो है यूएसबी का, ठीक है, बूटेबल यूएसबी का, ये आपको फाइल हिपो से मिल जाएगा। आप यहाँ पर लिखिएगा फाइल हिपो पे, ठीक है, उनके जो साइट की सर्च बार है उस पर लिखिएगा यूएसबी डीवीडी डाउनलोड ऐड टूल, ठीक है, विंडोज 7, फॉर विंडोज 7 लिखेंगे तो ये बूटेबल आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। आपने क्या करना है, अभी नेक्स्ट स्टेप जो करना है, आपने इसको ओपन कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का आपको शो हो जाएगा ये सॉफ्टवेयर। उसके बाद आपने करना है यूएसबी को प्लग इन करना है, और जहाँ पर आपने विंडो इंस्टॉल की होगी आईएसओ में, ठीक है, आईएसओ वाली फाइल आपने सेलेक्ट करनी है। मैंने यहाँ पर की हुई है इंस्टॉल डी में, और ये आ गई विंडो 10 मार्च, ये है विंडो 10 प्रो है, ठीक है। तो उसके बाद आपने, जब आप ये आईएसओ की फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। आपकी यूएसबी में जितना भी कुछ होगा वो उड़ जाएगा, ठीक है, जब आप ये यूएसबी डिवाइस को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, बिगेन कॉपी पे करना है और इरेज यूएसबी डिवाइस, यस। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी, तो उसके बाद ये आपका ये बूटेबल यूएसबी बन जाएगी विंडो की। ओके गाइस, तो ये हो गई है पूरी कॉपी हमारी यूएसबी में विंडो। तो विंडो को स्टार्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए वीडियो को नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलते हैं। ओके दोस्तों, तो कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। तो आपने यूएसबी प्लग इन कर देनी है पीसी के साथ, और अगर आपके पास एचपी का कंप्यूटर है तो आपने स्टार्ट करते टाइम F8 का बटन दबाना है, ठीक है। जब आप F8 का बटन दबा देंगे तो इस तरह का मेन्यू आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपकी यूएसबी लगी होगी उसका नाम जो भी होगा, किंगस्टन है, एचपी है, डेल की है, या फिर ट्रांसेंट की है, मेरी ट्रांसेंट की है, ये जेट फ्लैश ट्रांसेंट 32 GB की, ठीक है। ये इसमें मैंने बूटेबल बनाई थी विंडो को, विंडो 10 को। तो इस पे आपने क्या कर देना, जस्ट क्लिक कर देना, सिलेक्ट कर देना, ठीक है। तो आपकी विंडो स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेगी स्टार्टअप के लिए। ओके गाइस, तो हमारा सेटअप स्टार्ट हो गया। आपने क्या करना है, इंग्लिश को सिलेक्ट करना है और यूनाइटेड स्टेट को बेशक सिलेक्ट करके रखिएगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा और इंस्टॉल कीजिएगा। सेटअप स्टार्ट हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, कस्टम पे जाइएगा। ओके गाइस, तो अगर तो आपने सारी ड्राइव्स रिमूव करके न्यू पार्टीशंस बनानी है, मतलब कि ABC, CDE और EF वगैरह आपने बनानी है, तो आप ये सारों को डिलीट करेंगे। यहाँ पर एक को सेलेक्ट करके, ये डिलीट का बटन है, ऐसे करके आपने सारों को डिलीट कर देना है। फिर अगर आपके पास जितने भी पार्टी वो आपके पास जितनी भी स्टोरेज हैं, मतलब कि 500 GB की या 250 GB की, उसके हिसाब से आपने इक्वली ड्राइव्स पार्टीशन बना लेनी है।
तो मैंने अभी सिर्फ एक सी ड्राइव उड़ानी है, तो ये मेरी सी ड्राइव है, इसको मैंने डिलीट किया, ओके कर दिया, और आपने ये सिस्टम वाली भी उड़ा देनी है। फिर उसके बाद जो आपने डिलीट की है, मैंने जो सी ड्राइव डिलीट की थी उसको अब आपने स्टोरेज के लिए बनानी पार्टीशन। न्यू पे जाइएगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर तो आपका ना है, क्योंकि आपने अगर सारी पार्टीशन बनानी है तो आपने खुद ये कलेक्ट करना है, इक्वली सिलेक्ट करना है कि किस पार्टीशन को कितनी GB प्रोवाइड करेंगे आप, तो उस हिसाब से आपने यहाँ पर पार्टीशन की स्टोरेज रखनी है। उसके बाद आपने क्या कर देना, अप्लाई कर दीजिएगा एंड ओके कर दीजिएगा। तो हमारी ये इसी पे विंडो बनेगी, तो आपने क्या करना है, सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, ये आपकी विंडो स्टार्ट हो गई है इंस्टॉलेशन। तो ये जैसे ही सेटअप स्टार्ट होता है, इंस्टॉल पूरा होता है, तो फिर मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। ओके गाइस, तो अगर तो ये रीस्टार्ट करे PC इंस्टॉलेशन के बाद, तो आपने USB को रिमूव कर देना है। ओके गाइस, तो ये अभी फिर से रीस्टार्ट होगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, तो इसको ये ऑटोमेटिकली अपना काम करता रहेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये खुद ब खुद ये काम करेगी, विंडो रिस्टार्ट करेगी, इंस्टॉलेशन भी करेगी। आपने उसके बाद क्या करना है, जब ये पूरा सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, इंटरनेट की तार को अपने PC के साथ कनेक्ट रखना, ताकि ये ड्राइवर वगैरह ऑटोमेटिकली उठाएगा, मतलब कि इंस्टॉल वगैरह इंस्टॉल भी खुद करेगा और ड्राइवर की और इंस्टॉल भी ड्राइवर खुद करेगा। ये विंडो कोई इतना मुश्किल काम नहीं, सिर्फ आपने इंटरनेट की तार को PC के साथ कनेक्ट रखना है। तो अगर आप पासवर्ड रखना चाहते हैं तो पासवर्ड भी रख लीजिएगा, और कुछ सेटअप भी है वो आप खुद कर लीजिएगा देख के। ये आपने सारे जितने भी लोकेशन वगैरह वो ऑन ही रखना, ताकि ये आपकी जो अपडेट्स होती है ना, वो लाजमी इस विंडो को मिलेगी। बस ये अभी थोड़ा सा सेटअप, थोड़ा सा मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, ये सेटअप करेगा ये ऑटोमेटिकली खुद, उन्होंने कहा भी है डोंट टर्न ऑफ योर PC, थोड़ा सा ये सेटअप कर रही है विंडो।
ओके गाइस, तो विंडो फाइनली स्टार्ट हो गई है हमारा सेटअप। तो उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है आप यहाँ पर जाइएगा ऑल सेटिंग पे। जब आप ऑल सेटिंग पे जाइएगा, यहाँ पर लिखा हुआ विंडो एंड सिक्योरिटी का अपडेट का, ठीक है, विंडो अपडेट रिकवरी बैकअप, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर चेक फॉर अपडेट पे क्लिक कीजिएगा। आपने ये अपग्रेड करना है, ठीक है, अपडेट्स आई होंगी इस विंडो की। इंटरनेट कनेक्ट रखना साथ, तो ये ऑटोमेटिकली इसके ड्राइवर भी खुद करेगा और साउंड ड्राइवर वगैरह सारा कुछ ये खुद करेगा। आपने सिर्फ ये चेक फॉर अपडेट पे क्लिक कर देना है और आपका ये जितनी भी विंडो है ये खुद ब खुद अपडेटेड हो जाएगी 2019 के एंड तक। जितनी भी अपडेट आई हैं, सिक्योरिटी अपडेट आई है या फिर विंडो की अपडेट आई है, वो सारी इसमें आपके सामने आ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएगी विंडो। और दोस्तों एक और बात बताना भूल गया था कि आपने जो सी ड्राइव है ना, जब आप विंडो करने लगेंगे, सी ड्राइव की जो स्टोरेज पार्टीशन बनाएंगे वो ज़्यादा रखनी है आपने दूसरी ड्राइव के मुकाबले में, ठीक है। आप जब सी ड्राइव बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, स्टोरेज उसकी सिलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा रखनी है स्टोरेज। ये देखा आपने, ये अपडेट्स आ गए, इसके जितने भी हैं वो अपडेट्स आ गए। तो इसी तरह आपने ये खुद ही डिस्प्ले के भी ड्राइवर इंस्टॉल करेगा, अगर आपका कार लगा हुआ उसके भी ड्राइवर इंस्टॉल करेगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही आपको बताना था कैसे विंडो को इंस्टॉल करना है और क्या आपने इस विंडो के को इंस्टॉल करते टाइम करना है। तो दोस्तों अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर इस तरह की वीडियो देखनी है तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
गैस तो अगर आप पासवर्ड रखना चाहते हैं तो पासवर्ड भी रख लीजिएगा, और कुछ सेटअप भी है वो आप खुद कर लीजिएगा देख के। हाँ ये आपने सारे जितने भी लोकेशन वगैरह वो ऑन ही रखना, ताकि ये आपकी जो अपडेट्स होती है ना वो लाजमी इस विंडो को मिलेगी। बस ये अभी थोड़ा सा सेटअप, थोड़ा सा मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, ये सेटअप करेगा ये ऑटोमेटिकली खुद। उन्होंने कहा भी है डोंट रन ऑफ योर पीसी, थोड़ा सा ये सेटअप कर रही है विंडो। ओके गाइस, तो विंडो फाइनली स्टार्ट हो गई है हमारा सेटअप। तो उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है आप यहाँ पर जाइएगा ऑल सेटिंग पे। जब आप ऑल सेटिंग पे जाइएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है विंडो एंड सिक्योरिटी का अपडेट का, ठीक है, विंडो अपडेट रिकवरी बैकअप, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर चेक फॉर अपडेट पे क्लिक कीजिएगा। आपने ये अपग्रेड करना है, ठीक है, अपडेट्स आई होंगी इस विंडो की। इंटरनेट कनेक्ट रखना साथ, तो ये ऑटोमेटिकली इसके ड्राइवर भी खुद करेगा और साउंड ड्राइवर वगैरह सारा कुछ ये खुद करेगा। आपने सिर्फ ये चेक फॉर अपडेट पे क्लिक कर देना है और आपका ये जितनी भी विंडो है ये खुद ब खुद अपडेटेड हो जाएगी 2019 के एंड तक। जितनी भी अपडेट आई हैं, सिक्योरिटी अपडेट आई है या फिर विंडो की अपडेट आई है, वो सारी इसमें आपके सामने आ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएगी विंडो। और दोस्तों एक और बात बताना भूल गया था कि आपने जो सी ड्राइव है ना, जब आप विंडो करने लगेंगे, सी ड्राइव की जो स्टोरेज पार्टीशन बनाएंगे वो ज़्यादा रखनी है आपने दूसरी ड्राइव के मुकाबले में, ठीक है। आप जब सी ड्राइव बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, स्टोरेज उसकी सिलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा रखनी है स्टोरेज।
ये देखा आपने, ये अपडेट्स आ गए हैं, इसके जितने भी हैं वो अपडेट्स आ गए हैं। तो इसी तरह आपने ये खुद ही डिस्प्ले के भी ड्राइवर इंस्टॉल करेगा, अगर आपका कार लगा हुआ उसके भी ड्राइवर इंस्टॉल करेगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही आपको बताना था कैसे विंडो को इंस्टॉल करना है और क्या आपने इस विंडो के को इंस्टॉल करते टाइम करना है। तो अगर तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की वीडियो और लाऊंगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर इस तरह की वीडियो देखनी है तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।